अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब थर्ड सेमेस्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आईटी 2015 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पे है और क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन पे है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। लेट एफ आर प्लस टू आर पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय, ये एक फंक्शन हमें गिवन है, फाइंड ए फार्मूला फॉर एफ इनवर्स। इस फंक्शन का इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप लेट करेंगे कि वाई जो है वो बराबर है एफ ऑफ एक्स के, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह आप लिखिए 3 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस पूरी इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए 2y इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर रूट ऑफ x माइनस 1, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर रूट ऑफ x, 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x। और अगर हम यहां से दोनों तरफ स्क्वेयर करें तो x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और इसके ऊपर आ जाएगा जी स्क्वेयर। अब आप देखिए, आपने पुट किया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहीं से आप लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y के। तो इस x की जगह पर हम लिखेंगे f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और इसके ऊपर आ जाएगा जी स्क्वेयर। और चूँकि हमने फंक्शन x का इनवर्स फाइंड आउट करना था, आप रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप x लिख दें और ये इस फंक्शन का आ जाएगा इनवर्स, यानी इस y की जगह पे x और इस y की जगह पे x। तो f इनवर्स x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और इसके ऊपर आ जाएगा जी स्क्वेयर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है जी, प्रूव डैट एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज़ एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। जी एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जिस ग्राफ की डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, उसमें जो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इवन होंगे। ये बात प्रूव करनी है, यानी ऐसे तमाम वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड आ रही है वो तादाद के अंदर जो है वो इवन आएंगे, ये हमने प्रूव करना है। देखिए इसका प्रूफ, लेट जी आप एक ग्राफ ले लीजिए वर्टिसेस और एजिस एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। जी हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और हैंड शेकिंग थ्योरम ये कहता है कि जितने भी वर्टिसेस हैं उन तमाम वर्टिसेस की डिग्री का जो सम है वो इक्वल होता है 2 टाइम ई। ई किसे डिनोट करता है, नंबर ऑफ एजिस को, 2 टाइम ई। यहाँ स्मॉल ई लिख लें, कैपिटल लिख लें, दोनों चलेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस। और यहाँ पर वी आई बिलोंग करेगा सेट वी को, सेट ऑफ वर्टिसेस, यानी जितने भी ग्राफ जी के अंदर वर्टिसेस हैं उन तमाम वर्टिसेस की डिग्री का जो सम है वो इक्वल होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस। अब इस ग्राफ जी में जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं, कुछ वर्टिसेस वो होंगे इवन डिग्री वाले, कुछ वर्टिसेस वो आएंगे ऑड डिग्री वाले। दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं और यहाँ हम डिनोट कर रहे हैं, यू डिनोट द सेट ऑफ इवन डिग्री वर्टिसेस, वो तमाम वर्टिसेस जिनकी डिग्री कितनी आ रही है इवन, उस सेट को हम नाम रख देते हैं यू का। और डब्ल्यू डिनोट द सेट ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस, और वो तमाम वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड है उस वाले सेट को हमने क्या नाम रख दिया है, डब्ल्यू का।
यानी इसमें आप ब्रेक कर दीजिए समेशन, वी आई बिलोंग्स टू यू कर दें और डिग्री ऑफ वर्टिसेस वी आई ऑफ द ग्राफ जी प्लस समेशन वी आई बिलोंग्स टू डब्ल्यू और डिग्री ऑफ वर्टिसेस वी आई ऑफ द ग्राफ जी इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस। ये ऑड डिग्री वर्टिसेस का सम है और ये इवन डिग्री वर्टिसेस का सम है और इन दोनों की डिग्री का सम जो है वो बाय हैंड शेकिंग थ्योरम, हैंड शेकिंग थ्योरम वो इक्वल है जी ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस। अब हमें चाहिए है ऑड डिग्री वाले, तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन वी आई बिलोंग्स टू डब्ल्यू डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ जी इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस माइनस वी आई बिलोंग्स टू यू डिग्री ऑफ वर्टिसेस वी आई ऑफ अ ग्राफ जी। जी इसमें वो तमाम वर्टिसेस से जिनकी डिग्री हमारे पास क्या आ रही है इवन, और ये ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस ये भी इवन है, और दो इवन नंबर को जब आप माइनस करते हैं तो फाइनली आंसर भी हमारे पास क्या आएगा इवन आएगा। जैसे 8 माइनस 6, 8 में से 6 को माइनस किया आंसर 2 आया, इसी तरह 16 माइनस का 12 आंसर 4 आ रहा है। दो इवन को जब हम माइनस करते हैं तो आंसर इवन आता है, ये भी हमारे पास एक इवन नंबर है और ये भी सारा का सारा हमारे पास क्या है इवन। दो इवन को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा इवन आ जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड इवन है तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो भी हमारे पास क्या होगी इवन। और ये तमाम वर्टिसेस थे W में, वो तमाम वर्टिसेस हैं जो कि जिनकी डिग्री हमारे पास क्या आ रही है ऑड आ रही है, और तादाद के अंदर ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं इवन आ रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी कि अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज़ एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, यानी वो तमाम वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड थी वो तादाद के अंदर हमारे पास कितने आ रहे हैं इवन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, शो डैट निगेशन पी और निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट उस वक्त होती हैं जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाए सेम आ जाए। ये आपके पेपर में निगेशन का साइन है और उस निगेशन के साइन को लिखा गया है जी इस सिंबल के साथ, मैंने इसी साइन को इसमें चेंज किया है, ये भी निगेशन का साइन है। देखते हैं जी किस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप दो स्टेटमेंट रख लें, एक पी और एक क्यू। पी के अंदर हम कह देते हैं जी दो ट्रू कर लें और दो फॉल्स कर लें, और क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब फाइंड करते हैं इसमें निगेशन पी। निगेशन ये होता है कि जो ट्रू है उसको आपने फॉल्स कर देना है, और जो फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देंगे। इसी तरह निगेशन क्यू, यहाँ फॉल्स आ जाएगा, यहाँ ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू। अब नेक्स्ट है कि निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये एंड का सिंबल है और एंड के केस में दो ट्रू के ऊपर आंसर ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। दो ट्रू के ऊपर आंसर ट्रू करना है, बाकी जो तमाम आएंगे वो फॉल्स आएंगे। देखते हैं जी कहाँ दो ट्रू आ रहे हैं। ये हमारे पास दो ट्रू हैं, दो ट्रू के ऊपर आंसर जो है वो ट्रू लिखेंगे और बाकी जो सारे हैं वो आ जाएंगे फॉल्स।
अभी ये एक स्टेटमेंट हमने सॉल्व की है, अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। सबसे पहले निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। निगेशन पी एंड क्यू, ये हमारे पास निगेशन पी है और ये क्यू है। एंड के केस में मैंने बताया दो ट्रू के ऊपर आंसर ट्रू लिखना है, एक स्टेटमेंट निगेशन पी, दूसरी हम लिखेंगे क्यू। ये निगेशन, दो ट्रू जहाँ पे आएंगे वहाँ पे आंसर ट्रू आना है, जिस जगह दो ट्रू आएंगे वहाँ पे आंसर जो है वो ट्रू आएगा, और रिमेनिंग जो केसेस होंगे सारे वो फॉल्स लिखेंगे। यहाँ भी फॉल्स आएगा, यहाँ दो ट्रू थे ट्रू लिख दिया, यहाँ रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर, फॉल्स के। नेक्स्ट अब है पी और, अब और का केस है पी के साथ, तो यहाँ मैं लिखूँगा पी और ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू। और के केस में दो फॉल्स के ऊपर आंसर जो है वो फॉल्स है। इस सारे का, इस स्टेटमेंट का और हमने लेना है जी पी के साथ, और का केस बता रहा हूँ जहाँ पे दो फॉल्स होंगे वहाँ पे आंसर फॉल्स लिखेंगे, बाकी तमाम केसेस ट्रू आएंगे जी। इस स्टेटमेंट का और पी के साथ, ये मेरे पास पी है और ये रिज़ल्ट मैं बता रहा हूँ, दो फॉल्स पे जहाँ दो फॉल्स होंगे, लास्ट वाले केस में दो फॉल्स आ रहे हैं, दो फॉल्स के ऊपर आंसर जो है वो फॉल्स लिखा जाएगा और बाकी तमाम केसेस जो हैं वो ट्रू आ जाएंगे। अब लास्ट में इसी स्टेटमेंट का हमने फाइंड करना है निगेशन, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है जी, निगेशन। इसी स्टेटमेंट का निगेशन पी और ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू। निगेशन ये होता है कि जो ट्रू हो उसे फॉल्स कर देते हैं, और जो फॉल्स होता है उसे ट्रू कर देते हैं। अब आप देखिए ये दोनों स्टेटमेंट, इनकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो सेम आ रही हैं, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही हैं, फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू, और जिसकी ट्रूथ वैल्यू सेम आ जाएं लॉजिकली जो है वो दोनों स्टेटमेंट क्या होती हैं, इक्वल जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर टू का पार्ट नंबर फोर, लेट ए बी एंड सी बी पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स सी। ये जो लिखा हुआ है इसे रीड ऐसे करते हैं, ए डिवाइड्स बी या B is divisible by A, या ये भी कह सकते हो B is a multiple of A या A is a factor of B। देखिए जब हम ये लिखते हैं 4/ अगर मैं 8 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होगा 4 divides 8, यानी 8 को हम 4 पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं 4 is a factor of 8, A is a factor of B। इन सब के मीनिंग एक ही हैं, A slash B लिखा हुआ है, इसके मीनिंग क्या है, A divides B या B is divisible by A, B is a multiple of A या A is a factor of B, जैसे इस केस में आ रहा है 4 is a factor of 8। तो इसी को हम लिखेंगे, if A divides B and B divides C। अब हमने प्रूव करना है A divides C, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं B is equal to K1A। जैसे यहाँ पे है 4 is a factor of 8, तो यहाँ पर भी A is a factor of B, कोई दूसरा फैक्टर होगा उसे हमने लिख दिया K1, और यहाँ K1 जो है K1 और इसी तरह K2 बिलोंग करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, इनको कह दें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसी को आप लिख सकते हो C इज़ इक्वल टू K2 टाइम्स और B।
और बी की अपनी हमारे पास वैल्यू कितनी है, के वन ए, तो यहाँ लिखेंगे के टू, इधर आ जाएगा के वन ए, फर्दर इसे लिख सकते हैं के टू के वन इंटू ए। और के वन के टू जो कि ये इंटीजर थे और दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो भी एक इंटीजर ही आएगा, इसी चीज़ को आप लिख सकते हो ए डिवाइड्स सी। तो ये बात प्रूव हो गई है कि अगर ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी हो देन ए डिवाइड्स सी। जी नेक्स्ट देखिए, पार्ट फाइव है डिफाइन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन ये है, वन वन अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी वन वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन वाई। एक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उनका इमेज भी डिस्टिंक्ट होगा, उस फंक्शन को हम बोलेंगे वन वन, इंजेक्टिव और वन टू वन, ये सारे इसके नाम हैं। देखिए यहाँ पर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ ए बी सी और डी, और इनके इमेजेस रख लेते हैं वन टू थ्री और फोर। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये फंक्शन हमारे पास कौन सा है, वन वन, कि एक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इमेज भी डिस्टिंक्ट आ रहा है, यानी ना तो डोमेन के अंदर एलिमेंट्स रिपीट होगा और ना ही रेंज का एलिमेंट जो है वो रिपीट होगा। डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो गया वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए रेंज के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। अगर हम इसका ऑर्डर पेयर बना दें तो ये आ जाएगा ए कॉमा वन, बी कॉमा टू, सी कॉमा थ्री, डी कॉमा फोर। अब आप इसमें देखिए रेंज का कोई भी एलिमेंट रिपीट इसके नहीं हो रहा, इसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। हाँ, कोई भी फंक्शन कब वन वन नहीं होगा, अगर यहाँ पर ए बी सी डी वन टू थ्री फोर, ए का इमेज मैं कर दूँ वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर, और इसी तरह एक और एलिमेंट ले लेते हैं ई, इसका इमेज भी हम कर देते हैं फोर, तो ये फंक्शन हमारे पास वन वन नहीं है, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं डी और ई, डी का इमेज भी फोर आ रहा है, ई का इमेज भी फोर आ रहा है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेम इमेज आएगा तो ये फंक्शन हमारे पास वन वन नहीं होगा। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस आएंगे वो फंक्शन कहलाएगा वन वन। नेक्स्ट सही डेफिनेशन। अच्छा, इससे पहले एक टेस्ट है कि कोई फंक्शन इन अदर वर्ड्स एफ इज सेट टू बी वन टू वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू क्या हैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उनके इमेजेस भी क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, यानी एफ ऑफ एक्स वन उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी डिस्टिंक्ट आएंगी। ये है जी टेस्ट फॉर वन वन फंक्शन के लिए। और अगर दो इमेजेस हमने सेम रख लिए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स आएंगे ये वाले एक्स वन एक्स टू वो भी आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इमेजेस को सेम रख दें, इक्वल कर दें, एलिमेंट्स इक्वल प्रूव कर दो, तब भी फंक्शन क्या है, वन वन। या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेकर उनके इमेजेस डिस्टिंक्ट आ गए तब भी फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वन वन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। नेक्स्ट आता है ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द मैप एफ। यानी इसमें कोडोमेन जो होगी, ये जो पूरा सेट y है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, पूरी कोडोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए। सेट y अगर रेंज के बराबर हो जाएगी तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। लेकिन अगर रेंज जो है वो सेट y के बराबर नहीं आती तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, वो फिर इन टू है। जैसे देखिए आप इसमें मैं रख दूँ a b c और d, यहाँ एलिमेंट्स वन टू थ्री और फोर फाइव, ए को अटैच कर दे वन से, बी को टू से, सी को थ्री से, डी को फोर से। अब इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है वन टू थ्री और फोर, जबकि पूरा सेट वाई जो है वो वन टू थ्री फोर फाइव के बराबर आ रहा है। यानी इसमें जो रेंज है वो सेट वाई के इक्वल नहीं आ रही, इसलिए कहेंगे हम ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन है कि सेट की जो रेंज है वो उसकी कोडोमेन के बराबर हो। कोडोमेन किसे बोलते हैं, पूरे सेट वाई को कोडोमेन कहते हैं। जी नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन टू का पार्ट सिक्स है जी, लेट एफ आर टू आर, यानी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, बी डिफाइंड बाय
f of x is equal to x square, determine whether f of x is 1, 1, is this function is onto. 1, 1 की अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस होने चाहिए, तब हमारे पास फंक्शन क्या होता है, 1, 1 होता है. जैसे अगर मैं इसमें x की वैल्यू अगर मैं 2 लगाता हूँ तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर, आंसर 4 आ जाएगा. अब दूसरा एलिमेंट -2 रख लेते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. एलिमेंट्स तो भाई डिस्टिंक्ट हैं, एक दफ़ा x की वैल्यू 2 रखी है तब भी आंसर 4, -2 रखी तब भी आंसर 4 आ रहा है. यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं आ रहे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सेम इमेज आ रहे हैं. इसी चीज़ को हम लिखेंगे, द फंक्शन f r टू r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेयर इज नॉट 1, 1 फंक्शन. दिस इज बिकॉज बोथ 2 एंड -2 हैव 4 एज देयर इमेज, सेम इमेज आ रहा है, विच इज़ अगेंस्ट डेफिनेशन ऑफ 1, 1 फंक्शन. एक और इसका मेथड है, इसी को अगर हम सेकंड मेथड से सॉल्व करें, सेकंड मेथड इसका क्या है जी, कि इसमें अगर हम रख लेते हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इमेजेस जो है वो हमने सेम रखे हैं, इमेजेस को सेम रखा, एलिमेंट्स भी अब इक्वल आने चाहिए. यानी यहां एक्स वन स्क्वेयर बराबर हो जाएगा एक्स टू स्क्वेयर के, फिर एक्स वन स्क्वेयर माइनस का एक्स टू स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स टू के, यहाँ से एक्स वन बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स टू के. भाई यहाँ तो एक्स वन बराबर हो रहा है माइनस एक्स टू के, इक्वल नहीं आ रहे. इस केस में तो दोनों इक्वल आ गए हैं, लेकिन यहाँ आके एक्स वन माइनस टाइम एक्स टू के बराबर हो गया. अब इमेजेस जब सेम रखे हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल आने चाहिए थे, ये भी हमने देखा था डेफिनेशन में, 1, 1 फंक्शन की डेफिनेशन में, कि अगर इमेजेस इक्वल कर लो तो यहाँ एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए. ये इक्वल नहीं आ रहे, बल्कि नेगेटिव साइन के साथ एक्स टू आ रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन 1, 1 नहीं है. ये भी सोल्यूशन कर सकते हैं, ये वाला सोल्यूशन भी कर सकते हैं. अब देखते हैं जी कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं. ऑन टू की डेफिनेशन थी कि कोडोमेन रेंज के बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन रेंज के बराबर होनी चाहिए. और कोडोमेन, इस डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हैं, सेट ऑफ रियल नंबर. रेंज देखते हैं अब इसकी क्या आएगी. अगर हम y को बराबर रख देते हैं f ऑफ x के, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस y के. अब आप देखिए y बिलोंग करता है r को, y बिलोंग कर रहा है r. अगर मैं y की वैल्यू रियल नंबर -4 रखूँ, अगर y की वैल्यू इसमें मैं माइनस का 4 रखता हूँ, तो मेरे पास जो x आ जाएगा वो प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, जबकि ये इमेजिनरी आ रहा है. इसका मतलब जो इसकी रेंज है वो इमेजिनरी आ रही है, और इमेजिनरी कभी भी रियल के बराबर नहीं हो सकता. यानी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही. यहाँ लिखा x इज़ नॉट नेसेसरली बिलोंग्स टू R, x जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप बिलोंग करे R को. थस f इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें जो रेंज दे दी है वो इमेजिनरी दे दी, और इमेजिनरी नंबर कभी भी रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. इसलिए ना ये फंक्शन 1, 1 है और ना ही ये फंक्शन ऑन टू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 7 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7. Find the prime factorization of 4, 5, 6, 1, 7. भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी जो दो फैक्टर इसके या दो से ज़्यादा जो फैक्टर बनेंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए. अब हमें पता है कि प्राइम नंबर है जी 2, 3, 5, 7 और 11 एंड सो ऑन. इस तरह ये सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, प्राइम आ रहे हैं. अब ये नंबर ना तो 2 पे डिविजिबल बाय 2 है, ना 3 पे डिवाइड होगा, ना 5 पे, ना 7 पे, हाँ 11 पर ज़रूर हो रहा है. ये मैंने इसके फैक्टर बनाए हुए हैं, एक 11 बन रहा है, दूसरा बन रहा है जी 4, 1, 4 और 7. 4, 1, 4, 7 ये इसका फैक्टर बन रहा है. इसके बाद फिर करेंगे 11 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 377 आ रहा है. फर्दर 377 जो है वो 13 और इधर आ जाएगा जी 29. तो ये इसके जनाब हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ये बन रही है.
पहले इसको चेक करेंगे टू पे, प्राइम नंबर के ऊपर चेक करना है, टू पे डिवाइड नहीं होता, थ्री पे भी डिवाइड नहीं होता, फाइव पे भी नहीं होता, ये सेवन पे भी नहीं है, इलेवन पर जाकर इसके ये फैक्टर बनने शुरू हुए। तो ये जो 4, 5, 6, 1, 7 इसको हम लिख सकते हैं 11, फिर मल्टीप्लाई बाय 11, फिर मल्टीप्लाई बाय 13 और फिर मल्टीप्लाई बाय 29, यानी ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 29। इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4, 5, 6, 1 और 7, और ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो ये थे जी हमारे पास 4, 5, 6, 1, 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट 8 है, लिस्ट द 5 इंटीजर्स डेट आर कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 11। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन समझते हैं कि ये होता क्या है, किसे कहते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर हैं और एम इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एम के लिए कंडीशन है कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, देन ए इज़ सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी। यानी जब ए माइनस बी हम करेंगे और मॉडुलो एम जो है उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और सिम्बॉलिकली दिस इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। देखिए यहाँ पर हम वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि बी हमारा इक्वल है जी 3 के, और लिस्ट हमने बनानी है 5 इंटीजर की। पहला इंटीजर हम तलाश करते हैं ए, और मॉडुलो यानी एम की वैल्यू कितनी दी गई है 11। डेफिनेशन ये है कि जब भी हम ए माइनस बी करेंगे, एम जो है वो डिवाइड्स करेगा किसको, ए माइनस बी को। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं जी ए माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 11। अब ए की वैल्यू हमने ऐसी तलाश करनी है कि उसमें से 3 को माइनस किया जाए और 11 पर ये डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय क्या हो, 11 हो। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, ए की वैल्यू अगर हम 14 रखते हैं, 14 से स्टार्ट लेते हैं, 14 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, 14 में से 3 माइनस करने से हमारे पास आएगा जी 11, और 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1 के। तो ये 14 में से 3 को माइनस करें और 11 पर डिवाइड करें तो ये 11 जो है इसने डिवाइड कर दिया है, डेसिमल पॉइंट के अंदर आंसर नहीं आया, ये एक इंटीजर आया। तो इसलिए जो पहला इंटीजर होगा वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 14 के। अगर आपने इसमें दूसरा इंटीजर फाइंड करना है, अब आप इसमें मॉडुलो ऐड करते जाएं, 14 में अगर हम 11 ऐड करेंगे 25, और तीसरा इंटीजर अगर फाइंड आउट करना है 25 में फिर 11 ऐड करेंगे 36, और फोर्थ इंटीजर 36 में फिर 11 ऐड करूँगा 47, और 47 में फिर 11 ऐड करूँगा तो 58। आप 58 में से 3 को माइनस कीजिए, 58 में से 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो वो 55 आएगा, और 55 जो है वो 11 पर क्या हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। इसी तरह 47 में से 3 को माइनस करेंगे 44, और वो डिवाइड्स कर, 11 जो है उसको क्या कर रहा है जी, डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास 5 इंटीजर आएंगे, उसने कहा था जी लिस्ट बनाओ 5 इंटीजर्स की, तो ये 14, 25, 36, 47 और 58। तो ये हमारे पास है जी वो 5 इंटीजर, यानी इनमें से b को अगर माइनस करके 11 पर हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाता है, एक इंटीजर आंसर देता है। देखिए मैं इसमें वैल्यू जो है ना 24 नहीं रख सकता, क्योंकि 24 में से अगर मैं 3 को माइनस करूं और 11 पे डिवाइड करूं तो वो कुछ पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा, हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहिए, बल्कि हमें आंसर जो है वो एक इंटीजर चाहिए। क्यों इंटीजर चाहिए, उसने कहा हुआ है कि m डिवाइड्स a माइनस बी, कि जो भी मॉडुलो होगी वो a माइनस बी को क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 8। 2 और उसका पार्ट 9, ड्रा अ ग्राफ ऑफ के 54 एंड डब्ल्यू 7 जो है, के 54 ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, इसके लिए आपने 5 वर्टिसेस एक तरफ कर लेने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और 4 वर्टिसेस जो हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। K
K54 बनाने के लिए 5 वर्टिसेस एक तरफ कर लें और 4 वर्टिसेस जो है वो दूसरी तरफ। अब इस एक वर्टेक्स को इसे आप नाम रख दीजिए V1, V2, V3, V4, V5 और इन्हें हम नाम रख देते हैं U1, U2, U3 और U4। K54 बनाने के लिए 5 वर्टिसेस यहाँ रखे, 4 वर्टिसेस मैंने एक तरफ कर लिए। अब इस वर्टेक्स का हर वर्टेक्स के साथ एक एज आपने बनाना है, यानी इस एक वर्टेक्स V1 को लेंगे और ज्वाइन करेंगे तमाम वर्टिसेस ऑफ U1, U2, U3 और U4 बाय एन एज, एक एज के ज़रिए से। यानी इस V1 को आप मिलाएंगे U1 के साथ भी, U2 के साथ भी, U3 के साथ भी और U4 के साथ भी। लेकिन ये जो वर्टिसेस सेट है, इस सेट को हम नाम रख देते हैं V का और इस वाले को नाम रख देते हैं U का। ये ख्याल करना है कि V वाले जितने हैं उन्हें आपस में ज्वाइन नहीं करवाना। इसी तरह एक वर्टेक्स V2 लें और इस वर्टेक्स V2 को U1 के साथ भी, U2 के साथ भी, U3 और U4 के साथ। फिर V3 वर्टेक्स को ज्वाइन करवाएंगे U1, U2, U3 और U4। फिर V4 को U1 के साथ, U2 के साथ, U3 के साथ और U4 के साथ। इसी तरह वर्टेक्स V5 को U1 से, फिर U2 से, U3 से और V5 को U4 के साथ। ना तो U वाले आपस में अटैच करने हैं और ना ही V वालों के दरमियान में कोई एज आएगा। 5 वर्टिसेस एक तरफ, 4 वर्टिसेस और हर वर्टेक्स को ज्वाइन किया तमाम वर्टिसेस के साथ, V1 को U के तमाम वर्टिसेस के साथ, इस तरह V2, V3, V4 और V5। नेक्स्ट आ रहा है जी W7, ये व्हील ग्राफ है इसे कहते हैं, और ये ऐसा व्हील ग्राफ है जिसमें 7 वर्टिसेस आने चाहिए। इसके लिए आप पहले 6 वर्टिसेस लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 वर्टिसेस का आपने ग्राफ बनाना है, सारे वर्टिसेस को एज के ज़रिए से ज्वाइन करवा दें और इस ग्राफ को हम बोलते हैं साइक्लिक ग्राफ। यानी अगर ये वर्टेक्स C1 है, C2 है, C3, C4, C5 और C6। व्हील ग्राफ 7 वर्टिसेस का बनाने के लिए आपको पहले एक साइक्लिक ग्राफ बनाना है ऑफ 6 वर्टिसेस। फिर इसके दरमियान में आपने एक वर्टेक्स और लेना है, उस वर्टेक्स को हम नाम रख देते हैं जी C7 का। और इस वर्टेक्स को तमाम वर्टिसेस के साथ ज्वाइन कर दीजिए तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे व्हील ग्राफ ऑफ 7 वर्टिसेस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का पार्ट 10 है, लेट ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और आर हमें ये एक रिलेशन दिया गया है, शो डैट, कहता जी आर जो है वो इक्वलेंस रिलेशन है। कोई भी रिलेशन उस वक्त इक्वलेंस होता है जब उसके अंदर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं। 1, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वलेंस रिलेशन जो है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, कहता जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कैपिटल ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स और उसका इमेज जो है वो सेम आना चाहिए। ये एलिमेंट्स हैं और ये सेट ऑफ इमेज, ये दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। देखते हैं जी इसके अंदर, जैसे आप देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 0 और 0। पहला एलिमेंट 0, 0, 0 मौजूद है, दूसरा एलिमेंट 1, 1, 1 है, फिर 2, 2 भी इसके अंदर मौजूद है और 3, 3 भी इसके अंदर आ रहा है जी। यानी यहाँ देखिए ये 3, 3 है, 2, 2 है, 0, 0 है, फिर 1, 1 है। तो ये पहले कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड ये है कि देखना ये है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के केस में क्या है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। जैसे आप देखिए इसमें अगर मैं 1 और 3 रखता हूँ
तो 1-3 अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो 3-1 बी इसमें बिलोंग कर रहा है। उसके बाद 2-3 आप देख लें ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ पर 3-2 जो है ये भी मौजूद है, और बाकी जो सेम है उन्हें तो आप रिवर्स करेंगे वो सेम आंसर आएगा। 0-0 है उसको रिवर्स करोगे 0-0 ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव क्या होती है, अगर ए और बी, बी सी ये बिलोंग करें आर को, यानी ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को। तो आप इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को, आपके लिए असाइनमेंट है, मुझे आप कमेंट कीजिएगा कि ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो ये इक्वलेंस रिलेशन हो जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर ये इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। बहरहाल यहाँ क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि साबित करो कि ये रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन है। अब आपके लिए ये असाइनमेंट है, आप मुझे सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कि ट्रांजिटिव है या कि नहीं है। और उसका पार्ट ए है, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो डैट 1³, 2³, 3³ + n³ इज इक्वल टू n(n+1)/2, और उसके ऊपर है जी होल स्क्वायर, यानी ये तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम है वो इक्वल होता है n(n+1)/2, और इसके ऊपर आ जाएगी पावर 2 आ जाएगी। ये हमने प्रूव करना है, और किसकी मदद से प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव करना है। और इस इंडक्शन के अंदर, मैथमेटिकल इंडक्शन में, हम क्वेश्चन को 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 है, शो डैट द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें हम सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं इसके सॉल्यूशन में। स्टेप 1 ये है फॉर n इज़ इक्वल टू 1। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है यहाँ से आप ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे और इधर n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1+1/2, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और 2/2, तो यहाँ पे आंसर आ गया जी 1 इज़ इक्वल टू 1। यानी ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है किसके लिए, फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। तो इसे हम लिखेंगे ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है यहाँ से आप फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही थी, 1³ आ रहा है, 1 का क्यूब फर्स्ट टर्म जो है। और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ n है उस n की जगह पे 1 पुट कर दें, तो 1 इज़ इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 है इसमें, स्टेप 2 जी देखिए, स्टेप 2 में क्या है, एज्यूम डैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। आप खुद सपोज कर लें कि ये स्टेटमेंट k के लिए भी ट्रू है, यानी इसको हम लिखेंगे 1³, 2³, 3³ + k³ = k (k+1)/2, और इसके ऊपर स्क्वायर, इसको आप नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1 का। भाई जैसे ये 1 के लिए ट्रू है, हमने सपोज कर लिया खुद से कि ये सारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है किसके लिए, फॉर n इज़ इक्वल टू k। नेक्स्ट है जी, यूजिंग द अजम्पशन मेड इन स्टेप 2, ये जो हमने अजम्पशन बनाई है कि ये स्टेटमेंट k के लिए भी ट्रू है, इसको यूज़ करेंगे, शो डैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k+1। अब हमारा आ रहा है जी स्टेप 3। स्टेप 3 में, स्टेप 2 में था फॉर n इज़ इक्वल टू k, और स्टेप 3 में आएगा जी फॉर n इज़ इक्वल टू k+1। यानी आप यहाँ पर लिखेंगे 1³, 2³, 3³ + k+1³ = k, k की जगह लिखेंगे k+1, यहाँ k की जगह k+1 लिखेंगे तो ये k+2 हो जाएगा, (2), और इसके ऊपर क्या आ गया है, स्क्वायर। अब हमने ये प्रूव करना है, इसके लिए आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए कि जहाँ जहाँ n था उस n की जगह पे थर्ड स्टेप के अंदर मैंने रखा है k+1, इस n की जगह पे भी k+1, इस n की जगह k+1, यहाँ k+1 रखूँगा तो ऐड होके k+2/2, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें 1³, 2³, 3³ + k+1³, और इस k+1³ से पहले जो टर्म आएगी 1³, 2³, 3³, इससे जो प्रीवियस टर्म होगी वो होगी k³ और k+1³।
अब आप देखें इक्वेशन नंबर वन से, ये जो हमने इक्वेशन नंबर वन सपोज की थी फॉर एन इज़ इक्वल टू के, इससे वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब और के क्यूब, ये किस चीज़ के बराबर है? के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर। यानी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ हम लिख देते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन वन, ये सारी वैल्यू बराबर है के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इसका आ गया जी स्क्वायर, और फिर साथ में आ रहा है के प्लस वन का क्यूब। इक्वेशन वन में जो हमने सपोज किया था कि वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, के क्यूब, ये सारा बराबर है के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। अब आप देखिए इन दोनों से हम k प्लस वन का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लें k स्क्वायर k प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर और k प्लस वन का क्यूब। भाई इन दोनों में मैंने स्क्वायर अलग कर दिया, के ऊपर स्क्वायर अलग, के प्लस वन के ऊपर स्क्वायर अलग, और टू का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर, और साथ में लिखा है k प्लस वन का होल क्यूब। जी यहाँ से k प्लस वन स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये आ जाएगा k स्क्वायर बाय फोर और फिर k प्लस वन और k प्लस वन का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी k स्क्वायर प्लस का 4k और प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 4। जी इसी को अब हम लिख सकते हैं फर्दर, k प्लस वन का स्क्वायर ये k प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, k प्लस टू का होल स्क्वायर, k का स्क्वायर यानी प्लस टू का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस टू ए भी यूज़ करेंगे यहाँ पे फार्मूला, तो ये बन जाएगा 4k और डिवाइडेड बाय 4। इसे लिख रहे हैं जी k प्लस वन का स्क्वायर, और इस k प्लस टू को मैं ब्रेक कर रहा हूँ k प्लस वन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और इस सारी टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं k प्लस वन इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब आप गौर कीजिए कि जहाँ जहाँ n है इस n की जगह पर जहाँ जहाँ n आ रहा है, इस पहले n की जगह पे k प्लस वन, फिर इस n की जगह k प्लस वन, साथ में है प्लस वन डिवाइडेड बाई टू और इसके ऊपर क्या आ गया है स्क्वायर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जहाँ जहाँ n था उस n की जगह के ऊपर हमने लेके आना था k प्लस वन। तो ये तीन स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना होता है। स्टेप वन है जी फॉर n इज़ इक्वल टू वन के लिए, स्टेप टू हम सपोज करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल टू k, फिर इसी स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे जब हम ये स्टेप नंबर थ्री के ऊपर आएंगे कि ये स्टेटमेंट प्रूव करेंगे फॉर एन इज़ इक्वल टू के प्लस वन के लिए। तो जो इक्वेशन नंबर वन है उसी को हमने जो है वो यूज़ करके इसकी मदद से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेना है। इक्वल कैसे करना है कि जिस जगह पर एन है उस एन की जगह पे के प्लस वन लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट। थ्री का बी पार्ट है जी, इफ़ टी इज़ अ ट्री विद एन वर्टिसेस देन प्रूव दैट टी कंटेन्स नो साइकिल एंड हैज़ एन माइनस वन एजिस। ये क्वेश्चन मैंने ग्राफ थ्री थर्ड सेमेस्टर का पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का ही है, उसमें क्वेश्चन को मैंने बड़ी डिटेल के साथ सॉल्व किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैंने उस पेपर का आपको लिंक दे दिया, आप वहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फोर का ए पार्ट, शो दैट द इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज आर इज़ आर टॉटोलॉजी बाई यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की मदद से हमने ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये टॉटोलॉजी है। टॉटोलॉजी ऐसी होती है जिसके ऐसी स्टेटमेंट है जिसके तमाम फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू आएंगे। अब इसमें चूँकि आपको तीन दी गई हैं स्टेटमेंट पी क्यू और आर, तो टू रेस टू पावर थ्री एट, एट रोज आपने सबसे पहले बनानी। कैसे बनेगी वो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट पी लिख लें, इसमें आप चार ट्रू कर दें और चार इसके अंदर फॉल्स कर दें।
चार ट्रू चार फॉल्स, और क्यू में आप रखेंगे दो ट्रू दो फॉल्स, फिर दो ट्रू और दो फॉल्स। इसी तरह आर के अंदर रखेंगे एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो ये एट रोज बननी चाहिए थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, क्योंकि इसमें तीन स्टेटमेंट गिवन है पी क्यू और आर, और 2 की पावर 3 किया, 8 रोज का हमने ट्रूथ टेबल बनाना। सबसे पहले सॉल्व करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। इम्प्लीकेशन के केस में हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो रिजल्ट फॉल्स होता है। ये जो पहली स्टेटमेंट है इसे हाइपोथेसिस कहते हैं और इसे कंक्लूजन कहते हैं। मैं बता रहा हूँ हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो आपने रिजल्ट फॉल्स लिखना है। बाकी तमाम केसेस जैसे भी आएंगे वो ट्रू लिखे जाएंगे। हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स। देखते हैं जी पी और क्यू के दरमियान। हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स ढूंढना है, यहाँ पर आ रहा है हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, तो रिजल्ट हमने क्या लिखना है जी फॉल्स। और देख लीजिए हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, रिजल्ट क्या आ जाएगा फॉल्स। और कहीं देखें हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स हो, और कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स आ रहा हो, और कोई नहीं है। सिर्फ एक केस है कि हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स होंगे, रिजल्ट क्या लिखना है फॉल्स, बाकी तमाम केसेस आपने ट्रू लिखने हैं। तो यहाँ पे भी हम आ रहा रिजल्ट ट्रू आएगा, ये रिज़ल्ट भी ट्रू आएगा, ये रिज़ल्ट भी ट्रू, ये रिज़ल्ट भी ट्रू, और ये रिज़ल्ट भी ट्रू। फिर है हमारे पास क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज आर जी। फिर हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, लेकिन क्यू और आर के दरमियान में। हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। और कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स हो, तो बाकी तमाम केसेस इसके अंदर ट्रू लिखने हैं। ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, यहाँ रिजल्ट ट्रू, ये रिजल्ट ट्रू, और ये रिजल्ट ट्रू। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे P implies Q and Q implies R। इसे and कहते हैं इस सिंबल को। P implies Q and Q implies R। and के केस में दो ट्रू के ऊपर आंसर ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। एंड के केस में दो ट्रू पे ऊपर आंसर ट्रू देखना है, तो आपने ये दो स्टेटमेंट लेनी है, यानी ये वाली। इन दोनों के दरमियान एंड, एंड के केस में दो ट्रू के ऊपर आंसर ट्रू, जहाँ जहाँ दो ट्रू आएंगे वो आंसर ट्रू, जहाँ दो ट्रू होंगे वो आंसर ट्रू होगा। एंड के केस में किन दो के दरमियान में एंड था, P implies Q एंड Q implies R। एंड का केस है ट्रू, यहाँ ट्रू, ये ट्रू, और फिर ये ट्रू। बाकी जो तमाम रिजल्ट आएंगे वो सारे फॉल्स लिखे जाएंगे। यहाँ फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, और ये भी फॉल्स जी। नेक्स्ट अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। P implies R, P implies R। फिर implication का केस है hypothesis true, conclusion false होगा, result false। hypothesis P है, conclusion R है। hypothesis true, conclusion false, second वाले में आ रहा जी। यहाँ पे result हम second वाले में क्या लिखेंगे, false। और देखिए hypothesis true ये आ रहा है फोर्थ में, हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स। और देखना था जी पी और आर के अंदर, पी और आर में। और कोई ऐसा केस नहीं है कि जहां पर हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो बाकी जो तमाम केसेस लिखे जाएंगे वो ट्रू लिखे जाएंगे।
ये ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू और फिर ये ट्रू जी। लास्ट है अब इस सारी स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज आर के साथ, यानी यहाँ लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, फिर इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज आर। अब ये वाले दो कॉलम है जी, आखिरी दो कॉलम, आखिरी दो कॉलम के दरमियान में क्या आ रहा है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के केस में हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स लिखना है। इन दो कॉलम को बनाना जी, हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स। कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें हाइपोथेसिस ट्रू हो कंक्लूजन फॉल्स हो, उसको हमने फॉल्स लिखना था। हाइपोथेसिस ट्रू लेकिन कंक्लूजन फॉल्स नहीं है, हाइपोथेसिस ट्रू सामने कंक्लूजन फॉल्स नहीं है, ट्रू सामने कंक्लूजन फॉल्स नहीं है, इसलिए ये तमाम के तमाम रिज़ल्ट जो है वो ट्रू लिखे जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके फाइनल रिजल्ट्स तमाम जो है वो ट्रू लिखे जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं जी, टॉटोलॉजी। तो साबित हो गया कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके तमाम फाइनल रिजल्ट जो हैं वो ट्रू आए हैं, इसलिए इसको कहेंगे टॉटोलॉजी। क्वेश्चन फोर का बी पार्ट है, दी शो डैट द प्रोपोजिशन, ये दो हमें स्टेटमेंट दी गई हैं, निगेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज क्यू ऑफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट या फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स एंड निगेशन क्यू ऑफ एक्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। दो स्टेटमेंट लॉजिकली उस वक्त इक्वल होती हैं जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू जो है वो सेम आए। तो हम इसमें सबसे पहले एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट पी लिख लीजिए जिसके अंदर दो ट्रू कर देते हैं, दो इसमें फॉल्स, और एक स्टेटमेंट क्यू जिसमें एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब पी इम्प्लाइज क्यू, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, पी इम्प्लाइज क्यू। पी को बोलते हैं हाइपोथेसिस और क्यू कहलाता है कंक्लूजन। हाइपोथेसिस ट्रू हो कंक्लूजन फॉल्स हो रिजल्ट फॉल्स है, बाकी तमाम केसेस ट्रू आएंगे। हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स रिजल्ट फॉल्स लिखना है। जैसे यहाँ पर हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स रिजल्ट क्या है, फॉल्स। बाकी तमाम जितने केसेस हैं इसके अलावा और कहीं पर हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स नहीं है तो बाकी सारी रिजल्ट जो हैं वो क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। अब बाहर इसके साथ लिखा हुआ निगेशन, ये निगेशन का साइन है, मैंने इसको चेंज करके लिखा है, इस तरह से आपके पेपर में दूसरी तरह लिखा गया, मीनिंग सेम है निगेशन। इसका अब हमने निगेशन फाइंड आउट करना है, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन। निगेशन ये होता है कि जो ट्रू है उसका फॉल्स बना देना है, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स और ट्रू का फॉल्स। अब हम सॉल्व करेंगे निगेशन क्यू एक्स, निगेशन क्यू और निगेशन क्यू क्या होगा कि जो ट्रू है उसका कर देना है जी फॉल्स, फॉल्स का कर देना है ट्रू, ट्रू का कर देना है फॉल्स, फॉल्स का कर देना है ट्रू। अब पी एंड निगेशन क्यू, पी ये एंड का सिंबल है, निगेशन क्यू और एंड के केस में जहाँ पर दो ट्रू आएंगे वो रिजल्ट ट्रू लिखना है, बाकी फॉल्स लिखने हैं एंड के केस में, इसे हम एंड कहते हैं, ये एंड का सिंबल है। पी और निगेशन क्यू, ये पी है ये निगेशन क्यू, जहाँ पर दो ट्रू होंगे, इस जगह पे दो ट्रू आ रहे हैं, दो ट्रू जहाँ पे आएंगे वहाँ पे रिजल्ट क्या लिखना है, ट्रू। बाकी सारे केसेस क्या लिखने हैं जी, फॉल्स लिखने हैं। दो ट्रू नहीं है तो फॉल्स लिख दो, दो ट्रू नहीं है यहाँ फॉल्स कर दो, दो ट्रू नहीं है यहाँ पे भी फॉल्स कर दें, दो ट्रू यहाँ पर नहीं आ रहे तो फॉल्स कर दें, यहाँ पर भी दो ट्रू नहीं आ रहे तो इसको भी क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अब आप देखिए इन दो स्टेटमेंट को, इस कॉलम को और इस कॉलम को, इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू जो है वो सेम आ रही हैं भाई। जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू जो है वो सेम आ जाएं, जैसे यहाँ पे आ रहा है जी फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम हो तो लॉजिकली दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या होती हैं, इक्वल। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन फोर का बी पार्ट।
क्वेश्चन 5 ए पार्ट है जी। गिवन ए फार्मूला फॉर द कॉफिशंट ऑफ एक्स रेज टू पावर के, के इज एन इंटीजर इन द एक्सपेंशन ऑफ। जी ये एक बाइनोमियल की हमें एक्सपेंशन गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स रेज टू पावर 100। एन बराबर हो जाएगा जी 100 के, ए बराबर हो गया एक्स स्क्वेयर के और बी बराबर हो जाएगा 1 ओवर एक्स के। ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की, और बाइनोमियल के अंदर फार्मूला होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए रेज टू पावर एन माइनस आर, बी रेज टू पावर आर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एन की जगह आ जाएगा जी 100, आर हमने भी फाइंड आउट करना है, ए की जगह एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर 100 माइनस आर, और बी की वैल्यू है जी माइनस का 1 ओवर एक्स रेज टू पावर आर। अब आप सारी एक्स की पावर्स को इकट्ठा कर लीजिए, ये आ जाएगा 100 सी आर एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 200 माइनस का 2r माइनस 1 के ऊपर पावर r अलग, x की पावर जो है वो r अलग कर दिए। अब इस x की पावर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगी माइनस का r, तो 100 सी आर एक्स की पावर 200 माइनस 3r माइनस 1 की पावर r। अब जहाँ जहाँ x था सारी x की पावर्स को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब आपने x की इस पावर को इक्वेट कर देना है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर गिवन कौन सा जी, एक्स की पावर के, तो यहाँ से बेसिस इक्वल हैं तो 200 माइनस 3r बराबर हो जाएगा के के, 200 माइनस के बराबर हो जाएगा 3r के, r बराबर हो जाएगा 200 माइनस के डिवाइडेड बाय 3। इस r की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर हम इसमें पुट करते हैं, ये आ जाएगा जी टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 100 सी, आर की जगह वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस के डिवाइडेड बाय 3, और एक्स की पावर 200 माइनस 3, और आर की जगह हम पुट करेंगे 200 माइनस के डिवाइडेड बाय 3, और साथ में है जी माइनस 1 की पावर r की जगह लिखेंगे 200 माइनस के डिवाइडेड बाय 3। अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं x की पावर r का, x की पावर k का क्या कोफिशेंट बनेगा। जी इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 200 माइनस के डिवाइडेड बाय 3, और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल कर दें और अंदर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 200 इस प्लस के 200 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स की पावर यहाँ आ जाएगी के, और माइनस 1 की पावर 200 माइनस के डिवाइडेड बाय 3। अब उसने पूछा हुआ है गिवन द फार्मूला फॉर द कॉफिशेंट ऑफ एक्स रेज टू पावर के, एक्स की पावर के का जो कॉफिशेंट बना है वो 100 200 माइनस के डिवाइडेड बाय 3 और माइनस 1 की पावर 200 माइनस के डिवाइडेड बाय 3। तो ये x की पावर का जो है, x की पावर k का कोफिशिएंट बना है। 5 का बी पार्ट है जी। ड्रॉ अ ग्राफ हूज एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इसकी मदद से हमने ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ भी यहाँ डाइग्राफ बनेगा। ये क्वेश्चन में उसको लिखना चाहिए था डाइग्राफ, या इसको बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ जो है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती तो फिर हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ बनता है ऐसा, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती एजिस में या आर के दरमियान में। तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि हमने ग्राफ बनाना है डायरेक्ट्रिक, डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, या इसको क्या कहेंगे डाइग्राफ बनाना है। वजह उसकी ये है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक वो होती है कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर आ जाए, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती तो हमने विदाउट डायरेक्शन एजिस या आर्क बनानी थी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, पहले वो डेफिनेशन समझ लीजिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए डाइग्राफ डी विद एन वर्टिसेस इज द मैट्रिक्स ए, ए आई जे इज इक्वल टू एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है इन विच
ए आई जे वैल्यू हम असाइन करेंगे 1 इफ़ दो वर्टिसेस के दरमियान में अगर कोई आर्क मिल गई या एक एज मिल गया तो वहाँ पर वैल्यू हमने 1 असाइन करनी है इन ग्राफ इन डी। अगर एज नहीं होगा दो वर्टिसेस के दरमियान में तो फिर वैल्यू हमने क्या असाइन करनी है 0, यानी अदरवाइज़ का मतलब ये अगर एज नहीं है तो वहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखेंगे हमारे पास इसके अंदर 4 रोज़ आ रही हैं, 4 इसके अंदर कॉलम्स आ रहे हैं, तो ये 4x4 का एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसके अंदर हमने 4 वर्टिसेस रखने हैं, एक वर्टेक्स V1, एक V2, एक V3 और एक V4। जैसे अगर मैं नाम रख दूँ इन्हें V1, V2, V3 और V4, कैसे भी आप नाम रख सकते हैं। कहता जी सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 4 है, द ग्राफ G हैज़ 4 वर्टिसेस, V1, V2, V3, V4 ये 4 वर्टिसेस रख दी हैं। ड्रॉ एन एज फ्रॉम VI टू VJ, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ एक एज ड्रॉ करेंगे, वेयर AIJ इज इक्वल टू 1, जहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अगर आप इसे नाम रख लें V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3 और V4। अब आप देखिए V1 वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है, 1 और 3 के साथ, 1 और 3 के दरमियान में हमने एक एज बनाना है। ये हमारे पास V1 है और ये आ गया जी V3, ये मैंने एक एज बना दिया या एक आर्क बना दिया और डायरेक्शन भी दे दी है फ्रॉम V1 टू V3। दूसरी डायरेक्शन कौन सी आएगी, V1 से V4, यहाँ पर वैल्यू 1 है, जहाँ पर वैल्यू 1 है तो वहाँ पर एक और जो है वो एक एज आ जाएगा या एक आर्क आ जाएगी और डायरेक्शन भी साथ दे देंगे V1 से V4 की तरफ। अब आप आ जाइए V2 और V3, यहाँ पर वैल्यू 1 है, बाकी तमाम वैल्यू 0 हैं। जहाँ पर वैल्यू 0 है इसका मतलब इसके दरमियान में एज नहीं है, यानी V2 का V1 के साथ कोई एज नहीं, V2 का अपने साथ कोई भी एज नहीं होगा या कोई भी आर्क नहीं होगी, V2 का V3 के साथ, ये है जी V2 और V3। अगर मैं यहाँ पर एक एज बना दूँ V2 से V3 तो ये आ गई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रही थी तो इनके दरमियान में एक हमने एज लगा दिया और डायरेक्शन भी साथ दे दी। फिर V3 का जी V1 के साथ, ये मेरे पास V3 है और ये V1 है, पहले था V1 से V3, अब हमने बनाना है V3 से V1 की तरह। फिर V3 का V2 के साथ भी है, ये V3 है, ये V2, ऐसे एक डायरेक्शन दे देंगे 3 से 2 की तरफ। उसके बाद V3 का V4, V3 और V4 इसके दरमियान में भी, यहाँ पर भी एक दो वर्टिसेस के दरमियान में एक एज आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए V4 का V1 के साथ, भाई ये V1 से V4 था, V4 का V1 से ऐसे डायरेक्शन दे देते हैं। फिर V4 का V2 और V3 के साथ भी है, ये आ गया जी V2 और V4 का V2 और V3 के साथ भी है, जब 3 के साथ बनाएंगे तो ऐसे एक डायरेक्शन और दे दें, यानी हमने आर्क बनाते जाना है या एजिस बनाते जाना है और उनको साथ साथ हमने डायरेक्शन भी देनी है। तो ये हमारे पास एक डाइग्राफ बन गया है इस मैट्रिक्स का। अब आप देखिए V4, V1, V2, V3, V4 V1 के साथ भी है, V2 के साथ भी है, V3 के साथ भी है, तो जहाँ जहाँ वैल्यू जिन वर्टिसेस के दरमियान में वैल्यू 1 आ रही है वहाँ पर एक एज बनेगा और एज के साथ हमने डायरेक्शन भी देनी है। हाँ, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती, अगर A ट्रांसपोज बिल्कुल A के बराबर होता तो फिर हमने डायरेक्शन नहीं लगानी थी, फिर डाइग्राफ नहीं बनना था, लेकिन इस केस के अंदर हमारा ग्राफ कौन सा बनेगा, डाइग्राफ बनेगा।